नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। अनोखी आवाज के मालिक और अपनी अदाकारी से करोड़ों का दिल जीतने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्मी दुनिया के साथ साथ राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक सफल पारी खेली, लेकिन फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का सफर बिहारी बाबू के लिए उतना भी आसान नहीं रहा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म स्थान, शिक्षा, उनकी फैमिली, उनका फिल्म से राजनीति तक का सफर और साथ ही उनकी लग्जरियस लाइफ, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। तो शुरू करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के जन्म स्थान से। शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार की राजधानी पटना के कदम कुआ स्थित घर में हुआ था। अपने तीन बड़े भाई में शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। उनके तीन बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में है और पेशे से साइंटिस्ट हैं, लखन इंजीनियर हैं और अभी मुंबई में हैं, तीसरे भरत पेशे से डॉक्टर हैं और वो अभी लंदन में रहते हैं। और शत्रुघ्न ने चुना फिल्मी दुनिया का सफर और बन गए एक सफल अभिनेता। शत्रुघ्न के पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और माता श्यामा सिन्हा का निधन हो चुका है। बात करें इनकी शिक्षा की तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार की राजधानी पटना के ही पटना साइंस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला करवा लिया। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूर्व मिस यंग इंडिया पूनम सिन्हा के साथ शादी रचाई। शत्रुघ्न ने पूनम को चलती हुई ट्रेन में फिल्म पाकीजा के डायलॉग अपने पांव जमीन पर मत रखिएगा को कागज पर लिखकर प्रपोज किया था। शादी के बाद उनके तीन बच्चे हुए, दो बेटे लव कुश और एक बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो फिल्मी दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के पिता चाहते थे कि और सभी बेटों की तरह शत्रुघ्न भी डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बने, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। FTII से ट्रेनिंग लेने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में अपनी स्ट्रगल की शुरुआत की। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर कटे हुए का निशान है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कटी फटी शक्ल लेकर और ये बड़ी बड़ी मूछें लेकर तुम हीरो नहीं बन सकते। इस बात से परेशान शत्रुघ्न सिन्हा एक प्लास्टिक सर्जन से बात भी की थी ताकि चेहरे पर किसी भी तरह का कटे का निशान हटा दे, लेकिन तभी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता देवानंद ने शत्रुघ्न को रोका और देवानंद साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को समझाया और कहा, काम चलेगा तो नाम चलेगा और जो तुम्हारी खामी है वो तुम्हारी खूबी बन जाएगी। तुम मुझे ही देख लो, मेरे दांतों के बीच में एक गड्ढा है लेकिन यही गड्ढा अब मेरी अदा बन गई है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद से प्रेरित होकर प्लास्टिक सर्जरी का प्लान ड्रॉप कर दिया और वो फिल्मों में फिर से स्ट्रगल करने लगे। फिर देव साहब के ही फिल्म प्रेम पुजारी में बिहारी बाबू ने एक छोटा सा किरदार निभाया। वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म में शुरुआत एक विलन के तौर पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके पास पॉजिटिव रोल भी आने लगे। फिल्म आ गले लग जा में शत्रुघ्न सिन्हा के डॉक्टर वाले रोल को लोगों ने खूब पसंद किया और फिर सुभाष गई की फिल्म काली चरण ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। क्यों वे पट्टे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे, चोरी करने आया था वो भी इंस्पेक्टर सूरज प्रताप सिंह के घर में। गौरतलब है कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी अपने आप में एक अनोखा स्टाइल बन गया। जबरदस्त अभिनय के बादशाह माने जाने वाले शत्रुघ्न की पहचान खामोश शब्द से भी होती है। उनका खामोश कहने का अंदाज ही अपने आप में अनोखा था। आपको बता दें कि जब भी पर्दे पर शत्रुघ्न कहते खामोश तो पब्लिक तालियां बजाते नहीं थकती और इस शब्द ने लोगों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी। इसके अलावा भी उनके कई ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों की जुबान पर आज भी रटे हुए हैं। 1975 में शत्रुघ्न की फिल्म काली चुड़न रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही डायलॉग मारा था, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरा करते। और फिल्म बेताज बादशाह का यह डायलॉग काफी चर्चित रहा हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। और भी ऐसे बहुत से डायलॉग हैं जिसने लोगों को खूब एंटरटेन किया।
अगर आपके मन में भी शत्रुघ्न सिन्हा के ऐसे कोई फेमस डायलॉग आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर लोगों को जरूर बताएं। बात करें उनकी राजनीतिक करियर की तो पिछले कुछ सालों में शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। शत्रुघ्न सिन्हा 1990 के दौर से राजनीति में सक्रिय है। 3 दशक से भाजपा के साथ बने हुए शत्रुघ्न सिन्हा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस के खेमे में चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक पटना साहिब से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वे 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अटल बिहारी सरकार के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि बतौर सांसद उनका मासिक वेतन 2 से 2.5 लाख तक था। अब बात करें उनकी नेटवर्थ कमाई और असेट्स यानी संपत्ति की तो साल 2019 के चुनावी नामांकन के अनुसार उनका सालाना आय 112.22 करोड़ है। इसमें से चल संपत्ति की कुल कीमत 8.60 करोड़ और अचल संपत्ति की कुल कीमत 103.61 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पास मौजूद कुल कैश की कीमत 4,58,232 बताई है। शत्रुघ्न सिन्हा के बैंक में 2.74 हजार की फिक्स डिपॉजिट है और 29 लाख के इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल्स फंड्स हैं। लगभग 1 करोड़ का सोना, चांदी और अन्य कीमती जेवर है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के पास कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी है, जिसमें एक एम्बेसडर, 2 क्रैमी, इनोवा, मारुति, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर शामिल है। आपको बता दें फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी जानकारियां बिहारी न्यूज से पाकर आपको अच्छा लगा होगा। किसी और विषय पर आप हमसे कुछ जानकारियां चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।